दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आपके कैरियर के लिए या आपके बिजनेस के लिए कैसे हेल्पफुल रह सकती है? तो आज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही साफ और बहुत ही सरल अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर बिजनेस एंड योर कैरियर ऑल्सो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसको आसान करने के लिए, आप ये समझ लीजिए कि आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग एक हवा नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। जो भी इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग होती है वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। आज तक जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हुए आए थे, जैसे पेपर के ऊपर हम मार्केटिंग कर रहे थे या न्यूज़पेपर पे, मतलब लीफलेट हम फ्लायर्स भी डलवाते थे, उनको हम बंटवा रहे थे, या बिलबोर्ड पे हम एडवर्टीजमेंट करा रहे थे, तो वो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। और अभी जो एक लेटेस्ट जो चीज़ चल रही है वो डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आज की तारीख में आप भी जानते हैं कि 5 में से 3 लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं एंड स्मार्टफोन्स आर यूजलेस विदाउट इंटरनेट। तो बड़ा ही प्रिसाइसली आप उनके फ़ोन पर अपना ऐड दिखा सकते हैं और ये कैसे बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट वाला है और इसके अंदर कैसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आप जनरेट कर सकते हैं, इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैसे काम करता है। मान लीजिए दोस्तों, आपने ट्रेडिशनल मीडियम पे अपना ऐड करवाया, मान लीजिए न्यूज़पेपर में आपने ऐड डलवाया है या फिर आपने फ्लायर लगवाया, बिलबोर्ड लगवाया है। अब देखिए, ये है एक वन वे ट्रैफिक, मतलब आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कितने लोगों ने आपका वो ऐड देखा है, और अगर देखा भी है तो उसमें से रेलेवेंट कितने लोग थे जो आपका ऐड देख के आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में आपको आइडिया नहीं लग रहा है, बस आप उस सर्कुलेशन पे देख रहे हैं कि इस रोड पे से कितने लोग जाते हैं तो मेरे को कितना रिस्पॉन्स मिल सकता है, या इस न्यूज़पेपर का कितना सर्कुलेशन है उसके हिसाब से मेरे को कितना रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूँ कि आप एक सड़क पर से जाते हैं, वहाँ पर से लगभग मान लीजिए 1 लाख व्हीकल डेली के जाते हैं, और आपने वहाँ पर एक बिलबोर्ड चूज़ कर लिया कि अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर मैं अपना बिलबोर्ड लगा सकता हूँ। बहुत ही लग्जरी फ्लैट का वहाँ पर एक बिलबोर्ड लगा दिया है। आप इसके महीने के इसमें काफ़ी सारे पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन 1 लाख लोगों में से सिर्फ 1000 लोग ऐसे हों जो वो लग्जरी फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में जो 99,000 जो पीपल वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ के लिए वो वेस्टेज है और आपको ROI उस तरीके से जनरेट नहीं हो सकता है। लेकिन इसी को अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा तो इसको मैं कैसे देखता हूँ, गौर कीजिएगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कुछ पैटर्न्स के ऊपर काम करती है। मान लीजिए आप एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अपने घर में भी अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एक IP होता है, और IP के हिसाब से आपके यूज़र IDs होते हैं। आप जीमेल के अकाउंट से या क्रोम से जब भी आप फेसबुक पे किसी पे भी सर्च करते हैं तो वो आपकी हर चीज़ को ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के हिसाब से वो नॉर्मली 4-5 चीज़ों पर फोकस करते हैं। एक तो आपका एज क्या है, दूसरा आपके इंटरेस्ट क्या है, मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पर जाते हैं, क्या आप सर्च करते हैं, उसके हिसाब से वो आपका इंटरेस्ट बना लेते हैं। मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर जाते हैं, तो ऐसे में वो आपको स्पोर्टिंग जो गुड्स होते हैं उनका एडवर्टीजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो ये हुई इंटरेस्ट की बात, एज की बात। इसके बाद आती है आपकी जेंडर की बात, क्योंकि काफ़ी सारे एक जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके हिसाब से मेल या फीमेल को भी टारगेट किया जा सकता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका डेमोग्राफिक, मतलब आप कौन से लोकेशन में रहते हैं, क्योंकि कई बार कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको जो है लोकेशन के हिसाब से अपना ऐड करना होता है। मान लीजिए एक स्कूल है तो नॉर्मली वो चाहेगा कि 90% के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उसके लोकल एरिया में से आने वाले हैं, तो वो चाहेगा कि उसके नियर बाय लोकेशन पे उसका ऐड चले, या रेस्टोरेंट वाले या जिम वाले भी ऐसा, सलून वाला भी ऐसा चाहता ही होगा। तो ऐसे में हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देख सकते हैं कि नियर बाय एरिया में या लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे लोगों को स्पेसिफिकली इन 4-5 चीज़ों के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो टारगेट बड़ा स्पेसिफिक हो गया, तो आपको मालूम है कि मुझे टारगेट किसको करना है, जिसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, या फिर मान लीजिए मेरे को एज ग्रुप, सर्टन एज ग्रुप के अंदर ही लोग चाहिए तो मैं उसको भी टारगेट करूँगा, इंटरेस्ट वाइज भी करूँगा, आपका जेंडर वाइज भी करूँगा और लोकेशन वाइज भी करूँगा। तो ऐसे में जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो काफ़ी हद तक मेरे पे फिल्टर होके आ चुका है ऑलरेडी। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ तो आज की तारीख में लोग वहीं पर ऐड कराना पसंद करते हैं जहाँ पर ज़्यादा उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हों। तो ऐसे में करंटली 44 से 45 करोड़ जो है उस वक्त सोशल मीडिया लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और ऐसा मानना है कि अगले 3 से 4 साल में ये लगभग डबल होने वाला है, मतलब 80 करोड़ के पार होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर भी ग्राहक हो, लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। तो यही एक फिनोमेना रहा है कि पिछले 4-5 साल के अंदर जिन ब्रांड्स को हम लगभग जानते भी नहीं थे वो आज की तारीख में ऑनलाइन में धूम मचा रहे हैं, जैसे ओयो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर आपका ओला, उबर, मतलब इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वैसे अलग कंट्रीज़ में तो पहले से ही चल रहा था। तो ट्रेंड अब लगभग आ चुका है कि इंडिया के अंदर भी अब डिजिटल मार्केटिंग जो है धूम मचाने वाली है, और अगले 2 से 3 साल में जो मार्केट शेयर है वो इसका 4 से 5 गुना बढ़ने वाला है। तो काफ़ी ये ग्रोथ वाला सेक्टर है, इसलिए आप इसका अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप कैरियर भी चूज़ करें तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा एक कैरियर हो सकता है।
दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए एक वीडियो के अंदर समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कंटेंट मार्केटिंग कैसे काम करती है। आप अपने कंटेंट को आप सोशल मीडिया पे जब डालते हैं तो कैसे उसको वायरल होता है, तो कैसे आपको इफेक्ट उसका मिलता है, रिजल्ट कैसे उसके मिलते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अलग अलग काफ़ी सारे पैटर्न हैं इसके अंदर जिनसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब मैं बात करता हूँ कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि कंटेंट, आप मान लीजिए कंटेंट इज किंग। अगर आज की तारीख में आप गूगल पे सर्च करें तो गूगल इज़ नॉट ह्यूमन, वो इंसान नहीं है कि वो समझ पाएगा, वो एक वर्ड्स को लेता है। तो कीवर्ड्स आप मान लीजिए इसके अंदर चलते हैं, तो जिस कीवर्ड के हिसाब से अगर आपका रैंक कर रहा है वो एक SEO के अंदर भी आता है, वो पेड मार्केटिंग भी आती है। तो उसके थ्रू गूगल आपकी सर्च के अंदर उस प्रोडक्ट को ऊपर ला कर दिखाता है। तो ऐसे में SEO आपके बड़े काम आता है। जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग हैं, अगर सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली इसका भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है ब्रांड बिल्डिंग के अंदर। आपकी वेबसाइट काफ़ी अगर स्ट्रांग है, यकीन कीजिए कि आने वाले टाइम में, क्या करंटली में भी अगर आप बात करें तो योर वेबसाइट इज़ द फेस ऑफ योर बिजनेस ऑनलाइन। और आप उसको जितना अच्छा बनाते हैं, जितना सुंदर बनाते हैं, मैंने काफ़ी बारी लोगों से सुना है कि अरे वेबसाइट तो 5,000 बन जाती है, 10,000 बन जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं। मेरा एक सजेशन मानिएगा, कभी भी 5,000-10,000 वाली वेबसाइट अपने लिए मत बनाइएगा। रीज़न उसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जब आप एक अच्छी वेबसाइट बनाते हैं तो या बनवाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का रोल होता है। एक डेवलपर होता है, एक या दो डेवलपर होते हैं, डिज़ाइनर्स उसके अंदर आ जाते हैं, कंटेंट राइटर उसके अंदर आ जाता है, आपका SEO स्पेशलिस्ट। क्योंकि ये मान के चले कि गूगल का जो क्रॉलर है ना, वो सर्च करता है उन कीवर्ड्स के हिसाब से, तभी वो वेबसाइट को ऊपर लेके आता है। तो वेबसाइट बनाने के बाद अगर आप SEO करना चाहते हैं तो पहले वेबसाइट बनाते वक्त जो कंटेंट इसके अंदर लिख रहे हैं ना, हो सकता है आप तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं लेकिन वो SEO के हिसाब से इतना कंपैटिबल नहीं हो। तो एक अच्छे कंटेंट राइटर से SEO वाले के साथ बैठ के तब आप उस कंटेंट को लिखवाइएगा, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और अच्छी हो जाएगी। तो जो लोग 5,000 या 10,000 में वेबसाइट बनाते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके पास मैन पावर कितनी होगी, या फिर वो एक अकेला इंसान अगर वो डेवलपर ही है, अगर वो वेबसाइट बना रहा है तो वो डिज़ाइनिंग अच्छी कहाँ से लगाए, कंटेंट अच्छा कहाँ से लगाए, SEO उसमें कैसे उसमें ऑन पेज SEO कैसे कर पाएगा। तो ऐसे में 4-5 लोग मिलकर वेबसाइट बनाते हैं और उनकी जो मैन पावर लगेगी या उसके जो मतलब इन्वेस्टमेंट होगी, उसके हिसाब से डेफिनेटली वेबसाइट थोड़ी सी महंगी हो जाती है। और सर्वर भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली वो वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। तो एक लंबा टॉपिक है दोस्तों, बट फिर भी मेरा एक छोटा सा एडवाइस ये है कि जब वेबसाइट्स होती है उसके अंदर काफ़ी सारे लोग मिलते हैं तब जाके एक अच्छी वेबसाइट बनती है। तो कोई एक एफर्ट नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे लगा तो बिजनेस ग्रो कर जाएगा, ये काफ़ी सारे चीज़ों का मिक्सचर है। मतलब कि आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए, आपका सर्च इंजन पे भी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका जो एड कैंपेन है वो भी काफ़ी अच्छा, अट्रैक्टिव और एंगेजिंग होना चाहिए। देखो सेल्स का बड़ा सिंपल सा फंडा है, अट्रैक्ट, एंगेज एंड कन्वर्ट। जब तक आपका ऐड अच्छा है तो पहले अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद आपका कंटेंट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए जो लोगों को एंगेज करेगा, तभी तो कन्वर्जन के चांस बढ़ेंगे ना दोस्तों। तो डिजिटल मार्केटिंग पे भी ऐसा ही होता है, अच्छी सी पोस्ट आती है उस पर क्लिक करते हैं, देन दे रीडायरेक्टेड टू योर वेबसाइट एंड देन दे रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद उनको लगता है, वो कंपेयर करते हैं, उसके बाद तो अपना सिलेक्शन करते हैं। तो मान के चलिए कि वेबसाइट भी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ में सोशल मीडिया या फिर आप जहाँ पर अपना कंटेंट डाल रहे हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग आपका होना चाहिए। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग तो एक बिल्कुल समुंदर की तरह है, जितना आप इसमें जाते जाएंगे उतना ही आपको इसकी नॉलेज होती जाएगी। मोटा मोटा मान के चलिए कि आज की तारीख में अगर आप सुबह उठते हैं तो शायद सबसे पहले आप अपना मोबाइल चेक करते हैं, उसमें अपडेट्स देखते हैं, मेल हो गया या सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह हो गया, और जब आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो भी रास्ते में कई लोग चेक करते हुए मैं देख लेता हूँ। हालांकि उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग जो है FM भी सुन लेते हैं। ऑफिस में जाने के बाद मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऑफिस में 10 बजे से लेके शाम के जब तक भी छुट्टी होती है तब तक वो डेस्कटॉप पे लगे रहते हैं, बीच में मोबाइल भी चेक करते रहते हैं, और घर पे आने के बाद TV वगैरह देखने के बाद, खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले भी अपने मोबाइल को चेक करके सोते हैं। तो वेन यू आर स्पेंडिंग मोर देन 80% ऑफ योर टाइम ऑनलाइन, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर अपना ऐड जो है वो प्लेस कर सकते हैं। देखो दोस्तों मोटा मोटी मैंने आपको बात समझाने की कोशिश करी है, डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ द एडवर्टीजमेंट, इस मतलब फ्यूचर भी क्या बोलूँ, करंट में मतलब ये है कि ये सबसे ज़रूरी है आपके बिजनेस को चलाने के लिए अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि SEO क्या है, सोशल मीडिया क्या है, PPC कैंपेन कैसे चला सकते हैं, मतलब पेड मार्केटिंग कैसे चला सकते हैं, वेबसाइट के अंदर किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, या गूगल पे कैसे अपनी लिस्टिंग को स्ट्रांग बनाया जा सकता है, हर चीज़ का मैं कोशिश करूंगा मैं आपको जवाब दूं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप एज ए कैरियर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर जाना चाहते हैं तो भी ज़रूर लिखिएगा, मैं आगे और वीडियो बनाता रहूंगा अगर आपका सपोर्ट मिला तो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।